इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा किस स्टॉक्स को फायदा हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा किस कंपनी को फायदा हुआ है और किस कंपनी के स्टॉक्स आपको इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी आपको लगातार अप मूव दिखाते हुए मिलेंगे, मतलब लगातार जो इनका प्राइस है स्टॉक्स का लगातार बढ़ रहा है, वैसी कंपनियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वो कंपनी जो है हमारा जिसका स्टॉक्स अभी भी लगातार अप हो रहा है, लगातार अप मूव कर रहा है, तो वैसी कंपनियों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वो कंपनी जिसको सबसे ज़्यादा लॉकडाउन से फ़ायदा हुआ है और आप न्यूज़ में भी सुने होंगे, राधा कृष्ण दामानी सबसे ज़्यादा इस लॉकडाउन में कमाने वाले जो अरबपति है करोड़पति में से हैं, उनकी कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स इस लॉकडाउन में भी सबसे ज़्यादा अर्निंग की है, क्योंकि जो उनका जो रिटेल बिजनेस है, जो पर्सनल प्रोडक्ट का बिजनेस है, जो पर्सनल प्रोडक्ट्स है उसमें कोई कमी आने वाली नहीं है। लोग जितने मतलब एक जगह एकत्रित रहते हैं, घर में चुपचाप बैठे रहते हैं, उतने ज़्यादा अपने पर्सनल प्रोडक्ट को यूज करेंगे। और ये जो एवेन्यू सुपरमार्ट्स है, ये पर्सनल प्रोडक्ट को बेचने का काम करती है मार्केट में, ये बनाती नहीं है, बनाने वाली कंपनियां अलग है, ये वो उनको अपने जो मॉल्स है, अपने जो शॉप है उसमें बेचने का काम करती है। तो ये जो इनका मॉल है, ये पूरी तरह से इनके अपने ज़मीन पे अपने बिल्डिंग में स्थित है, इसलिए इन्हें कोई जो रेंट भी पे नहीं करना पड़ती है, तो इसलिए वो उनको कुछ अट्रैक्टिव प्राइस पर बेचती है, तो जिससे इनके प्रोडक्ट्स जो है और इनके जो ब्रांड है, उनकी जो रिपुटेशन है बहुत ही अच्छी है और ये कंपनी लगातार अच्छा कर रही है। तो आप को देखते हैं कि ये हमारा जो एवेन्यू सुपरमार्ट्स का देख सकते हैं ये चार्ट है, तो देख सकते हैं जो पिछले ट्रेडिंग डे है उस दिन इसमें अपर सर्किट लग चुका है इनके प्राइस में, देख सकते हैं इन सिचुएशन में जिसमें कि बहुत सारी कंपनियों के स्टॉक्स 50% 60% करेक्ट हो चुकी है, नीचे आ चुके, डाउन हो चुकी है वैल्यू, वहीं ये अपने देख सकते हैं अपर सर्किट में आपको देखने के लिए मिल सकता है। और तो इनका जो 52 वीक हाई है देख सकते हैं, ये हमारा इसका 52 वीक हाई प्राइस है 2560, तो ये देख सकते हैं इनका जो 52 वीक हाई प्राइस है 2560 रुपीज़, अपने 52 वीक हाई प्राइस से ये बहुत करीब है। देख सकते हैं आप जो NSE पर इनका प्राइस है वो कितना है 2392 रुपीज़, जो कि अपने 52 वीक हाई से बहुत ही करीब है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये कंपनी फंडामेंटली भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनका फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनका बिजनेस भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो बिजनेस अपना ये करते हैं वो अपने मॉल में खुद के ज़मीन पर खुद के बिल्डिंग्स में, तो इनको कोई रेंट भी पे नहीं करना पड़ता है। और इनके फंडामेंटल्स अभी आपको दिखाएंगे कि इन पर कोई डेप्ट नहीं है, ज़्यादा थोड़े से डेप्ट है, कोई ज़्यादा डेप्ट भी नहीं है, डेप्ट फ्री कर्ज मुक्त कंपनियों में से एक है जिसके ऊपर बहुत ही कम कर्ज है। तो सारी चीज़ का हम डिस्कस करेंगे और इनके प्रोडक्ट को देख लेते हैं, देखिए इनके कौन से प्रोडक्ट हैं जो ये सेल करते हैं, आपको प्रोडक्ट्स भी इनके दिखा देते हैं। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स जो इनके प्रोडक्ट्स हैं देख सकते हैं, ये जो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं वो सारे प्रोडक्ट जो है बहुत ही डेली यूज वाले हैं, देख सकते हैं इंक्लूडिंग फूड वाले प्रोडक्ट, देखिए टॉयलेटीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, और देख सकते हैं गारमेंट्स, किचन वेयर, बेड एंड बाथ, होम अप्लियंस एंड मोर प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट कम्पटिव प्राइस दैट आवर कस्टमर्स अप्रिशिएट, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे, बहुत ही कम्पटिव प्राइस पे ये अपने सारे प्रोडक्ट्स को देते हैं। और वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं वो भी नाम भी आप देख सकते हैं, तो डेली और फ्रोजन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, देखते हैं टॉयज, गेम्स, किड्स, अप्लियंसेस, लेडीज गारमेंट, तो ये सारे प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं अपने जो मॉल है या अपने जो दुकान है उसमें, देख सकते हैं यहाँ पर ये इनका फिगर भी है, देख सकते हैं इनके दुकान का, तो ये सारे प्रोडक्ट्स ये बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पर देते हैं, जिससे इनका जो ब्रांड वैल्यू है वो भी क्रिएट हो चुका है और इनके ब्रांड वैल्यू बहुत ही बेहतरीन है। तो ये सारे प्राइस जो है शेयर के वो लगातार लॉकडाउन में भी आपको अप जाते हुए देखने मिलेंगे। तो ये सारी मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो डेली यूज में आने वाले हैं, आप घर में रहते हैं चाहे लॉकडाउन का सिचुएशन हो या कोई भी सिचुएशन हो, आप इन प्रोडक्ट्स को डेली यूज करते हैं। हम इनका आपको दिखा देते हैं फंडामेंटल्स, देख आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टोटल डेप्थ है इस कंपनी का 424 करोड़, बहुत कम डेप्थ है, क्योंकि इनके पास जो भी प्रॉपर्टी है सब अपना है, तो इस हिसाब से इनके पास बहुत कम डेप्थ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनके पास बहुत ही कम डेप्थ है इस कंपनी के पास, वही टोटल लाइबिलिटीज इतना है। और देख सकते हैं नेट ब्लॉक इनका इन्वेस्टमेंट 212 करोड़ इनका इन्वेस्टमेंट भी है,
तो देख सकते हैं आप ये सारी फंडामेंटल्स आप देखेंगे तो थोड़ा सा इनके ऊपर डेप्ट है, और टोटल एसर्ट इस नेट जो एसर्ट है इस कंपनी के पास वो है 6000, देख सकते हैं टोटल एसर्ट जो है, और ये एसर्ट लगातार इंक्रीज हो रहा है। देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में एसर्ट जो था 4895 करोड़ था, और इस बार हो गया है 6019 करोड़। और नेट करेंट एसर्ट्स ये भी देख सकते हैं लगातार वैल्यू नेट एसर्ट में थोड़ा डिक्रीजिंग हुआ है और टोटल एसेट में इंक्रीजिंग हुआ है। तो इस तरह से जो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, थोड़ा सा डेप्ट है, अगर ये भी डेप्ट अगर बैलेंस शीट से ख़त्म हो जाता है तो ये कंपनी और भी तेज़ी से ग्रो होगी। अब देखते हैं हम आपको NSE पर ले जाते हैं। तो NSE की वेबसाइट पर देखिए जो मुख्य पैटर्न में से एक है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कि कंपनियों में कौन कौन सी मतलब शेयर होल्डिंग किसका कितना है, तो उस शेयर होल्डिंग को आपको दिखाते हैं कि इस कंपनी में किसका कितना शेयर होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी में देखते हैं जो शेयर होल्डिंग है हमारा प्रमोटर्स का ग्रुप का शेयर होल्डिंग कितना है। देखते हैं दिसंबर क्वार्टर में था 79.73%, और जो फरवरी क्वार्टर है उसमें हो गया है कितना, देखते हैं 77.27% जो यहाँ पर डिक्रीजिंग हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के, वो किस लिए हुआ है, क्योंकि जो सेबी है हमारा वो गाइडलाइन तैयार किया है कि जो 75 है उससे ज़्यादा प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं हो सकती है कंपनी में। अगर ये गाइडलाइंस जारी नहीं करता तो अभी ये शेयर और 3000 के पास आपको देखने मिलता, क्योंकि जो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग घटाने के लिए जो शेयर को सेल किया गया उससे इसमें कुछ करेक्शन आया था, उसी कारण आपको इसका प्राइस थोड़े नीचे दिखने के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, डेप्ट में थोड़ा सा डेप्ट है, और इनका जो बिज़नेस मॉडल है बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि ये खुद अपने ज़मीन खरीदते हैं, उस पर अपना मॉल तैयार करते हैं, फिर प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो देख सकते हैं कि कितना बिजनेस मॉडल जो है स्ट्रॉन्ग है, और ये सारे प्रोडक्ट्स जो बेचते हैं ये खुद तैयार नहीं करते हैं, जो तैयार करने वाली कंपनी है वो उनसे प्रोडक्ट लेते हैं और ये मार्केट में सेल करते हैं। तो जो प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनियां हैं उसमें है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि नंबर वन कंपनी है, जो कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हम डेली यूज़ करते हैं उसे तैयार करते हैं। तो ये भी शेयर जो है इस लॉकडाउन में जितना कंटिन्यू होता है ये लगातार शेयर आपको ऊपर मूव करते हुए देखने मिल सकता है। तो ये दूसरी कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसके प्राइस आपको इस गिरते हुए बाज़ार में आपको देखने के लिए ऊपर मिलेंगे। साथ ही साथ जो फार्मा शेयर्स है वो तो आपको ऊपर देखने मिलते हैं, लेकिन जो फार्मा शेयर के अलावा जो शेयर्स हैं वो जो आपको अब मूव करते हुए देखने मिलेंगे वो है हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो चलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर इसके फंडामेंटल्स को देख लेते हैं और ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसे देख लेते हैं। तो देख लीजिए ये जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो ये देखिए साल्ट एंड आटा, पहला जो ये साल्ट और आटा तैयार करते हैं, उसके बाद ब्रू कॉफ़ी, उसके बाद देख सकते यहाँ पर ब्रूक बॉन्ड, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं। उसके बाद देखते हैं जूस एंड जेम्स, उसके बाद लिप्टन आइस टी, देखिए कनूर शॉप, मिल मेकर्स, देख सकते हैं इस तरह से शॉपी नूडल्स, इस तरह से और भी नीचे हम चलते हैं। देखिए इसके बहुत सारे फेमस प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांड्स हैं। तो देखिए फेमस जो ब्रांड इनके हैं लक्स हो गया, लाइफ बॉय, लाइफ बॉय का भी यूज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है कोरोना वायरस में, क्योंकि हम लोग जो बार बार हाथ धोते हैं तो उसके लिए हम जो साबुन यूज़ करते हैं उसमें से एक है लाइफ बॉय। जो लाइफ बॉय है वो मेडिकली बहुत ही फेमस है कि इससे आपको किसी भी वायरस से या किसी भी जीवाणु से बचने के लिए हाथ धोना है तो लाइफ बॉय से आपको हाथ को साफ करना चाहिए। तो लाइफ बॉय भी फेमस ब्रांड है इसका। क्लिनिक प्लस, पॉन्ड्स, फेयर एंड लवली, पॉस्पॉन्ड, पैक्सोडेंट, देख सकते हैं ये सारे ब्रांड इनके बहुत ही फेमस है। 10 टॉप 10 ब्रांड्स में 8 ब्रांड्स इनके हैं। अभी देख सकते हैं कि जो टॉप 10 ब्रांड्स हैं उसमें 8 ब्रांड इनके हैं, वही 17 जो ब्रांड्स हैं 100 टॉप मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड में ह्यूल के हैं, मतलब HUL के हैं। तो देख सकते हैं 17 ब्रांड्स हैं टॉप 100 में, वही 8 ब्रांड्स हैं इनके टॉप 10 में। तो बहुत ही ये बेहतरीन कंपनी है हिंदुस्तान लिवर, और इसके भी स्टॉक्स आपको 52 वीक हाई के लगभग पास दिखेंगे। देख सकते हैं जो 52 वीक हाई प्राइस है इनका कितना है, 2614 रुपीज़ इनका 52 वीक हाई, और अभी करंट प्राइस देख सकते हैं 2378।
मतलब 52 वीक हाई के करीब है इनका प्राइस। तो ये भी स्टॉक्स आज थोड़ा देख सकते हैं, इसमें करेक्शन देखने मिला है, नहीं तो ये शेयर भी लगातार लॉकडाउन में आपको आगे बढ़ते हुए दिख रहे थे। ये FMCG कंपनी है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब इनके हम फंडामेंटल्स को देख लेते हैं, तो फंडामेंटल्स में इसमें आप देखते हैं कि कितना डेप्ट है। देख सकते हैं ये बिल्कुल जीरो डेप्ट है, ये कंपनी जो हिंदुस्तान इनलेवर है इसमें आप टोटल डेप्ट यहाँ पर देख सकते हैं, जीरो डेप्ट, कोई डेप्ट नहीं है इस कंपनी पर, कोई भी डेप्ट आपको जीरो देखने के लिए मिलेगा इस कंपनी के ऊपर, कितना जीरो डेप्ट। तो ये देख सकते हैं टोटल डेप्ट जो है इस कंपनी के पास कितना है, जीरो। टोटल लाइबिलिटीज जो है इतना करोड़ है, 7,659 करोड़। वहीं टोटल एसर्ट देख लेते हैं इस कंपनी का कितना है, तो नीचे चलते हैं देखते हैं, टोटल एसर्ट देख लीजिए 7,659 ये टोटल एसर्ट है इस कंपनी का। तो देख सकते हैं इस कंपनी के पास एसर्ट भी उतना है जितना लाइबिलिटीज है, और जो डेप्ट है बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है। और इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो भी किसी भी स्टॉक्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देख सकते हैं प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट है, लगातार देख सकते हैं सितंबर दिसंबर क्वार्टर में 67.18% इस प्रमोटर्स की होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग्स 32.82 है। तो देख सकते हैं लगातार जो है हमारा जो प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है और अच्छे रेशियो में है, 60% से एवको प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि अच्छा साइन है इस स्टॉक के लिए। वहीं प्लेस्ड शेयर देख लेते हैं कि जो प्रमोटर्स का जो शेयर है वो 1% भी प्लेस्ड नहीं है, देख सकते हैं जो प्रमोटर्स के पास टोटल शेयर होल्डिंग है वो उसमें से कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं किया गया। वहीं एवेन्यू सुपरमार्ट्स, उसके भी शेयर को देख लेते हैं कितना प्लेस्ड किया गया है, देख ले एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एवेन्यू सुपर पार्ट्स में हमने प्लेज शेयर को देखना भूल गया था, इसमें भी देख सकते हैं जो 79.73% प्रमोटर्स के पास शेयर है उसमें कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया गया। प्लेज मतलब जो लोन लेते हैं उसके लिए गिरवी रख देते हैं, तो यहां पर कोई भी शेयर जो लोन लिया गया है, कर्ज लिया गया है, उसके लिए उसको प्लेज नहीं किया गया, उसको रखा नहीं गया है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा एवेन्यू सुपर मार्ट्स है और जो HUL है हिंदुस्तान यूनिलीवर है, दोनों जो शेयर प्राइस है अभी लगातार इस लॉकडाउन में आगे बढ़ रहा है, तो और जितना लॉकडाउन कंटिन्यू होता है ये शेयर उतना ही आगे जाएगा। आप बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी देख सकते हैं कि जो राधाकृष्ण धवानी है जो एवेन्यू सुपरमार्ट्स के ऑनर है फाउंडर है, वो लगातार जो है इसमें सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाले व्यक्तियों में से हैं इस लॉकडाउन में। और हिंदुस्तान लीवर जो भी प्रोडक्ट बेचता है हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट्स, वो कौन बनाता है, HUL बनाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर उसे बनाता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे डिटॉल है, डिटॉल भी इसका फेमस प्रोडक्ट में से एक है, लाइफ बॉय है, लक्स है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स। अब तो ये HUL जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ये जो ड्रिंक प्रोडक्ट है आपका हॉर्लिक्स को भी ये एक्वायर कर चुका है। हॉर्लिक्स ये नया एक्वायर किया है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, हॉर्लिक्स भी एक फेमस ब्रांड है जिसको ये एक्वायर कर चुका है HUL। तो इस तरह से ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, साथ ही इसके प्रोडक्ट बहुत ही फेमस है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा, तो आपको इसको किस प्राइस पे बाय करना है ये भी बता देता हूँ। जो एवेन्यू सुपरमार्ट्स है इसको आपको 2000 के नीचे आता है तभी इसमें आप अपना जो है पोजीशन बना सकते हैं, उसे तब जाकर के आप इसमें SIP मोड में बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी प्राइस थोड़ा हायर है, अभी आप इसमें बाय करने की कोशिश ना करें। उसके बाद जो हमारा HUL है इसमें भी आप 2000 के नीचे आता है तभी बाय करने की कोशिश करें। उसके बाद हमारे पास ऑलरेडी ये शेयर हैं, हम पहले से ही इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं, तो हम अभी इसमें कोई बाइंग नहीं कर रहे हैं। आप भी इसमें जब ये 2000 के नीचे आता है तभी बाय करने के लिए सोचें। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में आपको कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से शेयर को आपको अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखना चाहिए कि जैसे वो आपको नीचे आता है तो आपको उसमें तुरंत उस शेयर में बाइंग कर लेनी है और उसमें SIP मोड में करना है जैसे जैसे आपको नीचे के प्राइस में मिलता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।